हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को रोहू मछली का जो बेसर होता है उड़िया स्टाइल में बना के दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, पहले ना इसमें मैं हल्दी और नमक दे के मछली को फ्राई कर दी हूँ और अभी एक कढ़ाई में गरम कर ली हूँ। कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच में रिफाइंड ऑयल यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और उसके बाद मैं एक मीडियम साइज़ का जो प्याज है उसको मैं छोटा छोटा काट के यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ और इसको थोड़ा हल्का सा ब्राउन कलर होने तक फ्राई करेंगे। तो चलिए इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो हमारा प्याज जो है लगभग हो गया है। इसमें मसाला इसमें मैं ऐड करती हूँ। तो मसाला में बेसर के लिए मैं ले रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून सरसों, काले सरसों, 2 इंच अदरक और 7 से 8 कलियों लहसुन। तो ये सारे को मैं एक साथ में पेस्ट बनाई हूँ। तो अभी ही सारे मसाला को इसमें मैं ऐड कर देती हूँ, अच्छे से प्याज के साथ मिला देती हूँ इस तरह से। ये जो रोहू मछली का जो बेसर करी है बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार जितना भी हम लोग को चाहिए हल्दी उसी हिसाब से मैं हल्दी यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मिर्चा पाउडर, तो आप लोग जितना तीखा पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप यहाँ पे मिर्चा पाउडर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर और अभी अच्छा से दोबारा से मसाला को मिक्स कर देंगे और थोड़ा देर इस तरह से थोड़ा सा कुक करेंगे मसाला को 2 से 3 मिनट तक। और जब मसाला हमारा कुक हो जाएगा यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे टमाटर। तो टमाटर को मैं इस तरह से छोटा छोटा काट के ले रही हूँ और यहाँ पे मैं एक ही टमाटर यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहे तो 2 भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी टाइम ही मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी ताकि हमारा टमाटर जो है जो बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा और जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको मीडियम आंच में 2 से 3 मिनट ढंग के पकाते हैं जब तक कि हमारा टमाटर सॉफ्ट हो ना जाए। तो 2-3 मिनट के बाद इसको ढक्कन निकाल के दोबारा से इस तरह से चला लेते हैं और टमाटर को इस तरह से क्रश कर लेंगे। तो हमारा टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो गया है, मसाला भी बहुत अच्छे से कुक हो गया है देख सकते हैं और कलर भी बहुत अच्छा आया है। अभी जो हम लोग फ्राई करके रखे थे रोहू मछली उसको ऐड कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे जो रोहू मछली है मैं इस तरह से गोटा गोटा ही ले रही हूँ। तो इसको थोड़ा देर इस तरह से मसाला के साथ मिला लेंगे, ध्यान से मिलाएंगे नहीं तो मछली टूट जाएगा। और इसको दोबारा से थोड़ा देर के लिए, बस जब तक इसमें थोड़ा सा मसाला अंदर तक चले जाए तब तक थोड़ा ढक्कन लगा के इसको रखते हैं। तो अभी मैं ढक्कन निकाल के इसमें पानी हल्का सा ऐड करूँगी, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे। और इसको अच्छे से मिलाते हुए थोड़ा देर फिर छोड़ देते हैं इसमें हल्का सा बॉईल आने तक, बस पानी इतना ही ऐड करेंगे। तो आप लोग भी आपके घर में इस तरह से रोहू मछली का जो बेसर करी है इस तरह से बना के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये जो रोहू मछली का बेसर करी है चावल के साथ बहुत अच्छा लगता है, आप लोग मैं घर में बनाइए और खाइए। तो देखिए हमारा जो करी में बॉयल आ गया है, ऊपर से मैं यहाँ पे गरम मसाला ऐड कर रही हूँ और अभी गैस का फ्लेम को कर लेते हैं ऑफ। हमारा जो रोहू बेसर करी बन के रेडी हो गया है। तो आशा करती हूँ आज का जो रेसिपी आप लोग को पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।